है। तो अगर जो काम आप सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाना या मोबाइल ऐप बनाना, जो भी आप सीख रहे हैं, अगर उससे आपकी अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव नहीं हो रही, अगर ख़ुद आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो किसी दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम, देखो ये गौरों से सीखा है मैंने कि जब भी आप कोई काम सीखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने सराउंडिंग में नज़र डालनी चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये आपके रोटी पानी के मसले हल करने के बाद की बात है, पहले तो आप रोटी पानी के मसले अपने हल करेंगे ना, नौकरी पकड़ के जो भी करेंगे, तो पहले तो आप एक मिनिमम अमाउंट जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, सही है, वो मिनिमम ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये चीज़ें सोचते हैं कि यार मैं कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, और उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब आप वैल्यू देंगे, तो पैसे खुद ही आते हैं, तो पैसों की कोई फिर बात नहीं होती। ठीक है, तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है ना, नौकरियों का रुझान बहुत ही ज़्यादा है, और बचपन से ही हम लोगों को बताया जाता है कि यार नौकरियाँ पकड़ो, और मतलब अंधाधुन नौकरियों के पीछे हम भाग रहे हैं, रिगार्डलेस ये देखे हुए बगैर कि नौकरियों में कोई पैसे नहीं है, और ये देखे बगैर कि भाई नौकरियों में कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब एक कोई ज़माना शायद हुआ करता होगा कि नौकरियों में बड़ी सिक्योरिटी होती थी, ठीक है, तो वो शायद कोई पुराने ज़माने की बात है। मेरा तो ख्याल है कि नौकरी में कभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही है भाई। किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी तो एक बिज़नेस है ना, एट द एंड ऑफ द डे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगले दिन पहुँचे और वो बिज़नेस बंद हो, बैंकक्रप्ट हो चुका हो? ऐसा ही होता है ना। अभी हैस्कॉल करके कोई कंपनी थी गालबन, अचानक बैंकक्रप्सी उसने डिक्लेयर की है कि हम बैंकक्रप्ट हो गए। भाई अचानक होता है, पूरे मुल्क, श्रीलंका ने अचानक बैंकक्रप्सी, एक दिन न्यूज़ पर देखा ना आपने कि श्रीलंका ने बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है। तो क्या श्रीलंका तो पूरा मुल्क है ना यार, मुल्क भी एक कंपनी होती है ना भाई। एक मुल्क जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। उसमें भी कहीं ना कहीं से पैसे इन हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं से वो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे के, और फिर अगले हर साल का बजट एक तय होता है। सेम इसी तरह होता है एंटरप्राइज में भी। तो क्या जहाँ पे नौकरी पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगले दिन आप जाएँ तो वहाँ पे ताला लगा हो? बिल्कुल हो सकता है। और अब तो क्या, बल्कि ये जब से ये एंटरप्राइजेस बनी है ना, तो एंटरप्राइज में आपको बताते नहीं है, अगर आपको फायर करना होता है ना, तो आपको बताते नहीं है कि आपको हम फला दिन फायर कर देंगे। आप एक दिन अचानक शाम को 5 बजे जब आप निकलने लगते हैं ना, तो दरवाजे से निकलने के बाद आपको वो एक पिंक लेटर कहते हैं, उसको गूगल कीजिएगा, पिंक लेटर कहते हैं। तो पता नहीं वो असली में पिंक कलर का होता है क्या होता है, लेकिन उसको पिंक लेटर वो आपको पकड़ा देते हैं कि कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। पहले से नहीं बता, पहले से बता देंगे तो आप अंदर हो ना ऑफिस के, आपके पास कंट्रोल्स हैं सॉफ्टवेयर के या किसी भी लेवल के, कोई आप डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करके चले जाओ, फिर क्या करेंगे वो? तो इसलिए बताते नहीं है वो। और फिर वो उन पर जो भी लेजिस्लेशंस होती हैं कानूनी, कि भाई किसी को आप अगर फायर कर रहे हो तो आपको 2-3 महीने की सैलरी या 6 महीने की सैलरी देनी है, जो भी एग्रीमेंट है, तो वो पिंक लेटर के साथ साथ वो भी आपको दे दिला के कहते हैं बस आप जाएं। ठीक है, फिर आपको 2-3 दिन बाद का एक टाइम बता देते हैं कि आप आएंगे और अपने डेस्क पे जो भी सामान है, पर्सनल आपकी बिलोंगिंग्स, वो आप ले देंगे। ठीक है, तो जब आप आते हैं तो HR का एक बंदा आपके साथ आता है, उसकी मौजूदगी में आप वो सामान समेटेंगे, और फिर उसकी मौजूदगी में वो आपको बाहर तक छोड़ कर आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है फायर करने का। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगले दिन आप जाएं और मतलब पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा, आपने कहा यार क्या प्रोडक्टिव दिन है आज का, और शाम को निकलते हुए वो पिंक लेटर पकड़ा दें आपको? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ना जो लोग बता रहे हैं उसकी भेड़ चाल में आप पीछे पीछे चलते रहें, थोड़ा सा खुद से सोचने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा भी गौर कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नौकरियों में कोई पैसे नहीं है, नौकरियों में कोई पैसे नहीं है, और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल ही कोई पैसे नहीं है। और यकीन नहीं आता तो आप सरकारी जो नौकरियां करते हैं लोग, उनसे आप दोस्ती करें, उनसे आप उनकी सैलरी स्लिप मांगें, कभी भी नहीं दिखाएंगे आपको। और अगर आपने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की सैलरी स्लिप देखने की, तो अगली दफ़ा वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। जब भी आप उससे मिलने की बात करेंगे ना, तो वो कहेगा नहीं यार वो तो मैं अभी फला मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं तो फला जगह जा रहा हूँ। वो घर पर होगा, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होगी उसकी, लेकिन वो कहेगा मैं नहीं हूँ घर पर, वो आपसे भागेगा, आपसे डरेगा, वो पोल पट्टी खुल रही है ना उसकी। और पता नहीं, एक अजीब सी बात है, बताते नहीं है, उसको पता नहीं लगता है कि शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं अपनी सैलरी बता दूंगा अगर, तो
मर्द तो वैसे ही नहीं सैलरी बताते, लेकिन सरकारी नौकर और नहीं बताते। तो आप बस दूर से दिखता है कि यार गाड़ी पे घूम रहा है, घर मिला हुआ है भाई, वो घर क्वार्टर है, जब नौकरी छूटेगी तो वापस देना है उसमें, वो गाड़ी सरकारी गाड़ी है, वो जब ख़त्म होगा उसका अहदा तो उसको गाड़ी वापस करनी है। ऐसा ही होता है ना, इवन दो कि प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है उसको भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना होता है अहदा ख़त्म होने के बाद, जो प्राइम मिनिस्टर को जो गाड़ी दी जाती है वो गाड़ी उसने वापस जमा करानी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी होती है, वो आपकी पर्सनल थोड़ी हो जाती है, ठीक है। तो नौकरियों में कोई पैसे नहीं है, तो आपने करना क्या है, आज के दिन से ही आपने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी है कि कौन से ऐसे वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो पैसे ऑटोमेटिक आएंगे आपके पास, पैसों का फिर कोई इशू नहीं रहेगा आपको, ठीक है। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट आइडिया कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका एक बिज़नेस खड़ा होता है, एक बिज़नेस बिल्ड होता है आपका, ठीक है। बिज़नेस हम जब कोई बिज़नेस के बारे में हम सोचते हैं, तो हम शायद ऐसा हमारे जहन में तसव्वुर आता है कि यार कोई बहुत बड़ी सी जगह हम रेंट पे लेंगे, ऑफिस बनेगा कोई, और बहुत सारा उसमें जो है ना स्टाफ होगा बहुत सारा। तो आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे कि वो बिज़नेस शुरू कैसे हुए थे, तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ऐसा होता भी नहीं है आमतौर पर। तो ये वाले जो बिज़नेस होते हैं ना, कि डायरेक्ट ऑफिस बनता है और डायरेक्ट 100-200 लोग हायर होते हैं और वहाँ से बिज़नेस शुरू होता है, वो एक्चुअली वो बिज़नेस पहले से कोई बना हुआ बिज़नेस होता है, उसी का एक नया ब्रांच खुल रही होती है। भाई ऐसा ही होता है ना, UBL की कोई नई ब्रांच खुल रही है, तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि पहले यार एक शटर वाली दुकान ले ली, उसके अंदर एक बंदा खाता लेके बैठ गया, चलो भाई लाओ पैसे जमा कराओ, खाते में लिख रहा है, फिर दो साल बाद वहाँ पे कंप्यूटर लगा दिए, फिर ATM लग गया एक दिन, ऐसा तो नहीं होता ना। UBL में तो डायरेक्ट ATM कैश काउंटर सब, सिक्योरिटी तिजोरी सब रेडी होती है, फिर स्टाफ आता है वहाँ, क्योंकि UBL इज़ नॉट अ न्यू बिज़नेस, वो एक बना हुआ बिज़नेस है, उसकी एक नई ब्रांच खुल रही है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि नई ब्रांच खुलने में और एक नया बिज़नेस खड़ा होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आप जो कर रहे होंगे वो एक नया बिज़नेस होगा, और नया बिज़नेस हमेशा गैराज से शुरू होता है, बैकयार्ड से शुरू होता है, आपके घर के स्टोर रूम से शुरू होता है। Amazon जो था वो उसके बैकयार्ड से, उसके गैराज से शुरू हुआ था, वो अपने गैरेज में बुक लाता था कहीं से, उर्दू बाज़ार वगैरह टाइप की जगह से ख़रीद के ला के अपने गैराज में जमा करता था, और लोग उसको फ़ोन करके बताते थे कि हमें ये वाली बुक चाहिए, वो बुक ख़रीद के जाके देकर आ जाता था। फिर उसने बाद में क्या किया, एक दोस्त के साथ मिल गया, उसने कहा यार मैं फ़ोन उठाऊँगा, बुक ख़रीद के ला के पहुँचाना तुम्हारा काम है, समझ रहे हो। फिर जब काइंड ऑफ 20-25,000 रुपये महीने के बनना शुरू हो गए, उसकी सैलरी निकलना शुरू हो गई, फिर 50-60,000 बनना शुरू हो गया, उसने बोला यार अब मैं एक बंदा शायद और हायर कर सकता हूँ, तो फिर उसने शायद एक बंदा और हायर कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक वेबसाइट बना ली अपनी, वेबसाइट उसकी इसी तरह की थी, HTML5 वाली, 5 तो खैर उस टाइम नहीं थी, लेकिन HTML वाली वेबसाइट। इसी तरह बढ़ता है ना बिज़नेस आगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इट, कि आप अपने सराउंडिंग में अभी से ये सोचना शुरू करेंगे, तो आपको 5 साल बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आएगी जो किसी को नज़र नहीं आ रही, और वो प्रॉब्लम है भी जेन्युइन, और आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा, बिल्ड होना शुरू होगा, ठीक है। नौकरियाँ वोकरियाँ करें आप, बिल्कुल करें, ज़ाहिर है रोटी पानी तो नौकरी से ही शुरू होगी ना आपकी, कोई आप बिल्कुल ही ब्रोक हैं अगर, तो आप क्या बिज़नेस के बारे में, आपको तो आपके जहन में जब भूख लगी हुई होती है ना, तो उस वक्त जहन में ये नहीं आता कि किसकी क्या प्रॉब्लम करूँ, मैं किसी की मदद करूँ, उस वक्त ये आता है कि यार अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी, यही आता है ना। तो या क्या कहते हैं, फिर आप ये एक्सपीरियंस की करके देखिएगा कि कभी आप शॉपिंग वॉपिंग करने जाएँ ना आपके घर में, तो हमारे यहाँ वैसे देसी घरों में अम्मा करती हैं शॉपिंग, है या बीवी करती है, लड़के नहीं करते आमतौर पर। तो मैं वैसे खुद चला जाता हूँ कभी कभी, सुपर स्टोर का जो सामान है वो मैं खुद ले आता हूँ कभी कभी। तो अगर भूख लगी हुई हो ना मुझे, और मैं सुपर स्टोर चला गया, तो सिर्फ खाने की चीज़ें कार्ट में आ रही होती हैं, भाई सूप का पैकेट पसंद आ रहा है यार, सूप का पैकेट ले लेते हैं, भाई केचप ले लो, मायनीज ले लो, डबल रोटी भी ले लो, सही है, और चीज़ें ऐसा लगता है इनविजिबल हो गई हैं। तो पहले भूख का इंतजाम करना है, उसके बाद ये चीज़ें। और जैसे मैंने जिक्र किया कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक इन होगा, वो ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों कहा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी नेचर ऑफ मनी। जो ये पैसा, पैसे की जो नेचर है वो समझनी पड़ेगी आपको, ये पैसा आया कहाँ से,
ये है क्या भला? अगर आप गौर से सोचें ज़रा, तो रुपया जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक दिन सुबह कोई उठा, उसने वो पर्चा एक फाड़ा कागज़, और उसने लिखा कि यार 100 रुपया, और उसने बोला यार ये लो मुझे बिरयानी दो। कैसे ये शुरू कहाँ से हुई होगी कहानी? मतलब आप इमेजिन करके देखें ना अगर इस चीज़ को, कि एक दिन अचानक कोई सुबह उठा, उसने सोचा यार एक काम करता हूँ, पर्चा फाड़ता हूँ, उसमें 100 रुपया लिखता हूँ और किसी को देता हूँ, उससे मैं बिरयानी ले लेता हूँ। वो अगर आप इस तरह लिख के किसी को देंगे, वो कहेगा यार ये क्या है? उसको आपको कन्वेंस करना पड़ेगा कि यार ये अच्छा, कन्वेंस करेंगे क्या? वो कहेंगे, वो तो बोलेगा तेरे पास वो नोट पैड पूरा पड़ा हुआ, तू एक एक फाड़ पड़ के मुझे देता रहेगा। नहीं, स्टेट बैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। अभी 10 लोग पूरी दुनिया में, इमेजिन करें एक गांव है सर, 10 लोगों का, 10 लोगों का एक गांव है बस, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये रुपया कैसे पैदा होगा, कैसे ईजाद होगा? हाँ, तो एक्चुअल में जो वो बार्टर सिस्टम स्टार्ट होगा ना पहले तो, कि भाई 10 लोगों का एक गांव है, मतलब 10 फैमिलीज, 10 लोगों का मतलब है 10 फैमिलीज का एक गांव है। अब एक उसमें से बंदा है, वो उसको जूते बहुत अच्छे पॉलिश करना आता है। वैसे तो जो ह्यूमैनिटी जो है, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे। अर्ली ह्यूमंस आपको पता है ना, सेल्फ सफिशिएंट थे, वो किसी के बल पे नहीं जीते थे। इंसान की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो खुद उसका इंतज़ाम करते थे, और उससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी नहीं। या यूँ कह लें कि वो लग्जरीज जो आज हमें मैसर हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये भी पॉसिबल है। वंस हमने ये लग्जरीज देख ली, अब हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट इंसान की जो बेसिक नीड है ना, आप गूगल पे करेंगे ना बेसिक नीड, तो वो 4-5 एक ऐसे लिस्ट है कि अच्छा यार ये बेसिक नीड है। तो वो रोटी कपड़ा और मकान ना अपना खुद इंतज़ाम करते थे। मकान आपको पता है कैसे रहते थे? वो गारों में रहते थे। गारों आप तलाश कर लें, कोई अच्छा सा गार वहाँ रहे हैं आप जाके, दैट्स इट। खाने के लिए वो शिकार करते थे, मछली का शिकार, जानवरों का शिकार, और जो पेड़ पौधे लगे हुए फल थे वो खाते थे। और जो कपड़े के लिए वो फिर पत्ते वगैरह इस्तेमाल होते थे, दरख्त की छाल इस्तेमाल होती थी अर्ली ह्यूमंस में। बट देन ये नीड एक्सपेंड हुई। अभी ये 10 लोगों का एक गांव है, उसकी बात हो रही है। दुनिया में ये 10 ही लोग हैं, 10 ही फैमिलीज हैं अभी तक। अब ये 10 की 10 फैमिली क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है राइट नाउ, अर्ली ह्यूमंस है ये। बट किसी एक फैमिली का जो मेंबर था, उसने ना कपड़े में इनोवेशन की। एक इनोवेशन ये की कि बजाय वो पत्ते से कपड़े बनाने के या दरख्त की छाल से कपड़े बनाने के, उसने बेलों में से, जो बेल होती हैं उसमें से रेशे अलग किए और उसको बुन के एक चटाई जैसी चीज़ बना ली, और वो लपेटने लग गए। दरख्त के पत्तों की जगह अब एक चटाई जैसी चीज़ बना ली है उसने, किसी पत्ते से बिन के या किसी छाल से बिन के। तो ये एक इनोवेशन है। अच्छा, दूसरी फैमिली ने देखा, उसने कहा यार ये मैं भी ऐसे ही कर लूँगा। उन्होंने करने की कोशिश की, शायद उनसे हुआ नहीं, या शायद उनको लगा कि यार टाइम बहुत लग रहा है। तो फिर अब समझ रहे हो, यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरत पड़ना शुरू हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम का आगाज़ होगा। तो एक ने कपड़े में इनोवेशन कर ली, एक ने जो है क्या किया, खाना तो खाते थे, दरख्त से तोड़ के फल खाते थे या सब्जियां खाते थे। एक ने क्या किया, कुछ 2-3 फलों को मिक्स करके, क्योंकि आपको पता है मसाले भी दरख्तों से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो मिर्च इज़ अ फल और लौकी इज़ अनदर फल और गोश्त इज़ अनदर थिंग। तो 3-4 चीज़ों को मिला के उसने लौकी गोश्त पकाना सीख लिया उसमें से किसी एक फैमिली ने। तो ये एक इनोवेशन यहाँ हो गई, एक वहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। अब इनका जो बार्टर सिस्टम, अच्छा दूसरे ने कोशिश की उससे लौकी गोश्त बना नहीं। यही होता है ना, मोहल्ले में भी हमारे पास एक ही होती हैं खाला जिनको लौकी गोश्त अच्छी पकाना आती होती है। तो जब भी वो लौकी गोश्त बनाती है तो सबके यहाँ आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। या किसी को लौकी गोश्त बना तो भाई उनको बुलाओ, भाई मेहमान आए उनको बुला के लाओ, उनसे पकवाओ, ठीक है। ऐसा अब तो पता नहीं होता ही नहीं होता, मेरे जब मैं छोटा था तो ऐसा होता था बहुत। तो अब 2 लोगों के पास ना 2 ऐसी इनोवेशन हैं जो किसी और से नहीं हो रही। एंड दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ अ बिजनेस।
ये लौकी गोश्त जो इससे बन गया है ना, जो दूसरे से नहीं बन रहा, इसी के ऑन द टॉप ऑफ दिस लौकी गोश्त एक बिजनेस खड़ा होगा आज की दौर में, क्योंकि रूट्स आपको समझ आ गई ना तो आगे की कहानी आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाती है। अब 10 फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज के पास इनोवेशन है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगी, एक लौकी गोश्त देगा उसको और उनसे कपड़े ले लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इन इस दोनों की वर्थ सेट होगी कहीं ना कहीं कि लौकी गोश्त को बनाने में कितना टाइम लगता है और कपड़े को बनाने में कितना टाइम लगता है। इमेजिन कर ले कि लौकी गोश्त बनाने में, उसका सामान इकट्ठा करने में और उसको बनाने में 1 घंटा लगता है मिसाल के तौर पर, अगर कपड़े को बनाने में 5 घंटे लगते हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लौकी गोश्त इज इक्वल्स टू 1 कपड़ा। एक इमेजिनरी वैल्यू है ये, हो सकता है कि लौकी गोश्त के सामान को ढूंढने में 5 घंटे लग जाते हों, सही ना, स्पेसिफिक किस्म की मिर्च चाहिए जो उसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है, मुर्गी को पकड़ना भी तो 5 × 1 हो गया ना, है ना, कि 1 दिन कपड़ा अगर उसने दे दिया तो उसको 5 दिन तक लौकी गोश्त मिलना चाहिए, है ना, ये बार्टर सिस्टम हो गया। ऐसे ही होता है, यही होता है ना बार्टर सिस्टम, कि हर चीज़ की वैल्यू सेट होती है कि भाई अगर इतने ग्राम सोने के इक्वल ये चीज़ है, इतने ग्राम इक्वल की चीज इक्वल ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पर उसी ट्राइब में, एक अभी मिसाल फिट करनी पड़ेगी ना, उसी ट्राइब में एक दूसरे बंदे ने कोई दूसरा खाना बनाना सीख लिया, यानी बिरयानी, चावल को कुछ मिक्स विक्स करके कुछ उसमें मिर्चें मिर्चें डाल के बिरयानी बनाना सीख लिया। अब मसला ये है कि बिरयानी 2 लोग बना रहे हैं और कपड़ा एक ही बना रहा है। अब उस कपड़े वाले के पास ना, एक तरफ से आता है वो बिरयानी वाला, वो कहता है मुझे भी कपड़ा चाहिए, एक तरफ से आता है ये, कहता है मुझे भी कपड़ा चाहिए। अब मसला ये है कि पेट तो एक ही है ना उसका, वो एक वक्त में या तो बिरयानी खाएगा या तो लौकी गोश्त खाएगा। तो अब वो करता है क्या है कि वो दोनों चीज़ें तो ले नहीं सकता, वो एक को मना करना पड़ेगा उसको। एक को क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा कि भाई आज तो मैं उससे लौकी गोश्त लेके खा चुका हूँ, अभी पेट में जगह नहीं है, अब कल बिरयानी चाहिए मुझे, अब तो मुझे कल बिरयानी चाहिए, तो तुम चले जाओ, तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा। तो ये तो इनकन्वीनियंस हो गया। या वो ये ऑप्शन है उसके पास कि वो कपड़ा उसको भी दे दे लेकिन कल की बिरयानी के वादे पे दे दे, है ना, आज तो बिरयानी का काम नहीं है उसके पास, कल की बिरयानी के वादे पे कपड़ा आज दे दे। तो वादे की कोई रसीद भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा कपड़ा लेकर गया है वो एक रसीद लिख के देगा कि ये रसीद है। आप समझ रहे हो नोट पैड पे कैसे शुरू हुआ नोट, जो कपड़ा खरीद के लेके गया है वो एक रसीद लिख के देगा कि 1 बिरयानी ड्यू या 2 बिरयानी ड्यू जितना भी ड्यू हो गया। अब वो कपड़ा जिसने बेचा था उसके पास कपड़ा चला गया और वो कागज़ आ गया। अब वो कागज़ अगले दिन ना, अरे क्या हो रहा है इसको, अब ये जो कागज़ है ना अगले दिन क्या करेगा, ये उस बिरयानी वाले के पास जाएगा, कहेगा यार ये तुम्हारी रसीद है मुझे दे दो बिरयानी। अब ये बिरयानी वाला ये नहीं कह रहा है कि ये तुम घर से लिख के लेकर आ गए हो, कैसे कहानी पलटी है, यहाँ से शुरू हुआ ये नोट। अब तो वो बिरयानी दे देगा। अच्छा, अब इमेजिन करो कि ये खुद बिरयानी नहीं लेता जाके, इसके पास तो लौकी गोश्त आ रहा है ना एक तरफ से। एक तीसरा ट्राइब था जो कुल्हाड़ी बहुत अच्छी बनाता था, इसने क्या किया कपड़े वाले ने कि कुल्हाड़ी वाले के पास गया, उसको बोला कि यार मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए किसी भी काम के लिए, इसकी जेब में वो रसीद पड़ी हुई थी। तो उसने कहा यार मैं तो एक पूरी बैल लेता हूँ, और मतलब बैल पकड़ के ला के दो मुझे और मेरे से कुल्हाड़ी, मतलब बार्टर सिस्टम में जो भी उसकी इक्वल था। इसने कहा यार वो तो नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास एक बिरयानी की रसीद पड़ी हुई है, बिरयानी नहीं है बिरयानी की रसीद है। वो कहेगा ठीक है 4 बिरयानी इज़ इक्वल टू 1 कुल्हाड़ी, तो मुझे 4 बिरयानी दे दो कुल्हाड़ी ले लो। तो इसने वो 4 बिरयानी की रसीद उसको दे दी, कुल्हाड़ी ले ली, बट दिस रसीद इज स्टिल वैलिड, क्योंकि छोटा सा गांव है, पता है सबको कि किसके हाथ की लिखी हुई रसीद है ये, दैट रसीद इज स्टिल वैलिड। अब अगले दिन क्या होता है, वो कपड़े वाला नहीं पहुंचता बिरयानी वाले के पास,
कुल्हाड़ी वाला पहुँचता है, वो उसको कहता है यार ये रसीद है फला फला को तुमने दी थी उससे मैंने ले ली, अब मुझे दे दो। अब इमेजिन करो ये रसीद इस तरह 10-12 लोगों के पास घूम जाएगा। अब समझ आ रहा है नोट का क्या गेम है? अच्छा, अब यहाँ इस केस में अथॉरिटी किसकी है? कोई भी किसी को भी रसीद लिख के दे सकता है, कोई भी किसी को भी रसीद लिख के दे सकता है कि यार ठीक है मैं इतना तुम्हें फलां दिन दूंगा। तो ये एक टोकन है काइंड ऑफ जो आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इसी चीज़ को एक जामे सिस्टम बना दिया। इसने बोला भाई अब मिसाल के तौर पर 10 लोगों का गांव था, कल को वो 200 लोगों का गांव हो गया, हर कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं, एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, राइटिंग भी नहीं पहचानता। तो इन्होंने क्या किया, इसको बाकायदा इदारे की शक्ल दे दी कि यार ये इदारा रसीद इशू करेगा। अच्छा, अब कैपिटलिज्म कहाँ से शुरू होता है? कैपिटलिज्म भी आपको इसी मिसाल से समझ में आएगा। अब ये जो कपड़े वाला था, इसने क्या किया, अपने कबीले के ना 10 लोगों को कपड़ा बनाना सिखा दिया, कपड़े वाला जो था। अब कपड़े वाले के पास में कपड़े का स्टॉक, 10 अलग अलग फैमिलीज हैं, सबको कपड़े चाहिए। अब सबको इसने कपड़े दे दिए, 10 फैमिलीज को कपड़े दे दिए। अब 10 फैमिली ना 10 अलग अलग चीज़ें बनाती थी, इसके बाद 10 रसीदें आ गई, माल आ गया, इसके पास क्या आ गया, रसीदें जमा हुई हैं, यानी पैसा आ गया इसके पास। अब वो सारे के सारे लोग ना इसके कर्जदार हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर हुआ क्या, थोड़े दिन बाद कोई ऐसा सीन हुआ कि वो कपड़े, उनको मज़ा नहीं आ रहा उस कपड़े में, उनको और नए कपड़े चाहिए। इसने पहले ही स्टॉक तैयार के रखा हुआ, इसने फिर 10 फैमिलियों को कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर और पैसे आ गए। तो समझ रहे हो कैपिटलिज्म, अब इसके बाद रसीदें ही रसीदें जमा हो गई हैं। अब इन रसीदों का ये क्या करेगा, अब इन रसीदों का ये क्या करेगा? अब ये हो गया इलाके का सेठ। अब इलाके में ये जहाँ भी निकलता है ना, इसकी जेब में 2-4 सौ 5 सौ 1000 के करीब रसीदें हैं, ये इतनी सारी। अब ये एरिया में निकलता है, जिसके पास भी इसको अच्छी खुशबू आती है ना, जिस खेमे के पास, वहाँ पर ये दस्तक देता है, कहता है हाँ भाई क्या बन रहा है, कहता यार ये बन रहा है, कहता यार ये लो तुम्हारी रसीद दे दो। समझ लो, अब ये सेट है इस एरिया का। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो पैसे वाला बंदा है उसके पास क्या है, जस्ट रसीदें हैं। एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट रसीदें हैं। तो अच्छा, इस ये हमने पूरी एक हिस्ट्री समझी है, और ये इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा मेरी, मैं बातें थोड़ा सा आपको थोड़े दूसरे अंदाजे बताता हूँ। कोई अगर फाइनेंस का बंदा बैठा होगा ना यहाँ पे, तो कहेगा कि सर ये बच्चों को पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानियाँ सुना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से समझ में जल्दी आता है, फौरन आता है। अब आपको कोई फाइनेंस का बंदा यही बात बताएगा ना, कोई फाइनेंस वाला, वो ऐसी ऐसी टर्म्स बताएगा, वो आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। तो वो सारी टर्म्स इसमें कहीं ना कहीं कवर हुई है बीच में। वेल, तो हमने ये स्टोरी क्यों सुनी यहाँ पे, हमने ये सीखा कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो लोगों को चाहिए, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा कपड़ा तैयार कर लेते हैं जो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, आयरन फ्री है, मार्केट में मौजूद है आयरन फ्री, मैं कोई यूनिक बात नहीं कर रहा, कोई पता चले आप में से लग जाए यार आज के बाद आयरन फ्री कपड़ा बनाना है, तो मार्केट में, तो इमेजिन करें कि आप में से किसी ने आयरन फ्री कपड़ा बना लिया, ठीक है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो लोग आपसे वो कपड़ा लेंगे और आपको क्या देंगे, रसीदें देंगे, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ऑन दिस वेरी आइडिया कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, मिसाल के तौर पे लोग आपस में बात करने की प्रॉब्लम थी ना लोगों को, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई दूसरे टाउन चला जाता है या दूसरे सिटी चला जाता है तो आपस में बात कैसे करें, तो मोबाइल फोन्स ने वो मसला हल किया ना। यही वजह है कि आज एक कंडक्टर से लेके एक चाय वाले से लेके और इस क्लास में बैठे हुए हर स्टूडेंट के पास एक अदद मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो जैसा भी हो लेकिन है, और अगर नहीं है तो उसकी एक ख्वाहिश है कि जैसे ही उसके पास इनफ मनी आएगा तो वो ले ज़रूर लेगा, मतलब जस्ट इन केस अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि उसकी चॉइस से नहीं है, वो फ़ौरन ले लेगा, जैसे ही उसके पास अवेलेबिलिटी हुई ना वो फ़ौरन ले लेगा, ठीक है। ये घर से समटाइम कोई बिल छोटी उम्र का होता है, घर से परमिशन नहीं है, तो जैसे ही परमिशन मिलेगी ले लेना है उसमें। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक ऐसी आपको सर्विस दे रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है, आपका एक मसला हल कर रहा है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो बजाय इसके
अच्छा, इसमें इसी 10 लोगों के गांव से ना आपको नौकरी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। जो इस कबीले का जो बंदा था ना, जिसने वो इनोवेशन की थी, उसने अपने कबीले के 10 लोगों को वो काम सिखा के उनसे बनवा रहा है ना कपड़ा, खुद तो नहीं बना रहा। और जो रसीदें इसको मिलती हैं उसमें से कुछ रसीदें उनको बांट देता है, कुछ रसीदें उनमें बांट देता है, दैट्स इट। तो ऑब्वियस बात है कि जब तक ये 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा, ये बिजनेस ऑनर 10,000 तनख्वाह कैसे देगा? तनख्वाह तो दे नहीं सकता। तो ये बाय डेफिनेशन ये बात है कि जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, वो बंदा आपसे अगर महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है तो आपको वो 10,000 देगा या 20,000, जो भी मिनिमम वेज है वो देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको कुछ कमा के ना दे रहे हो और आपको वो सैलरी दे। अच्छा, होगा भी समटाइम कि बंदा फ़िलहाल कोई कमा के नहीं दे रहा पैसे, लेकिन इन फ्यूचर उसको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी उससे। तो ये बाई डेफिनेशन है। तो आप जब नौकरी करेंगे तो आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी, बमुश्किल ही गुजारा होगा आपका, ठीक है? तो अब जल्दी से चले जाएँ, नमाज़ पढ़ के आ जाएँ, फिर वापस आके हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।